नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। और इस कोरोना के लॉकडाउन का आप पूरी तरह से पालन जरूर कर रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे, ऐसा आप जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र होता है, उसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं कि इस मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, और जीएस में क्या होता है, हिंदी में क्या पूछा जाता है, निबंध में क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, पूरा पैटर्न क्या है इसका, कौन कितने नंबर का होता है, ये सारी बातें आज हम आपसे करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो खंड शिक्षा अधिकारी तैयारी कुछ मित्र कर रहे हैं, तो उनको ही हम बताने वाले हैं कि जो यहाँ पर हिंदी और निबंध का प्रश्न पत्र होगा वो लगभग ऐसा ही होगा जैसा कि समीक्षा अधिकारी में होता है। ठीक है, हालांकि उस पर एक हम अलग से वीडियो बना देंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी का मेंस कैसा होता है, क्या क्या पूछा जाएगा, ये भी उनको हम बता देंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए कि मुख्य परीक्षा में किस तरह से हिंदी और निबंध पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किन किन टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, वो कितने नंबर के होते हैं, उनका आंसर कैसे लिखना होता है, कैसे हम अच्छे अंक प्राप्त करें, ये सारी रणनीति यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। और अभी आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे पूरे जोर शोर से, और उम्मीद ये है कि अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाता है तो संभवतः ये परीक्षा प्रारंभिक जून या जुलाई में हो सकती है। ठीक है, अभी संभावना व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है कुछ भी कहीं से कि ऐसा आपको हम बता पाए, एक संभावना व्यक्त कर पा रहे हैं कि जून या जुलाई में ये परीक्षा शायद हो सकती है। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कमजोर ना पड़ने दें, बल्कि और मुस्तैद होकर के अपनी तैयारी को धार दें ताकि प्रारंभिक परीक्षा आप पास करें और आपको मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, और हम आपकी मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएंगे। एक मैंने जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और यहाँ पर यानी चैनल के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से सब कुछ आपकी हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है, ग्रुप पर आपके हम जो भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, आपको हम प्रश्न देंगे, वहां पर आप आंसर लिखेंगे, मुझे पोस्ट करेंगे, हम उसको चेक करके आपकी कमियों को बताएंगे कि कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप मेंस के लिए निश्चिंत रहिए, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी के मित्र हों या फिर समीक्षा अधिकारी के मित्र हों, मेंस की तैयारी आप दोनों लोगों की पूरी तरह से कराई जाएगी। ठीक है, आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर पूछा गया है, क्या क्या पूछा जाता है। इससे पहले हमारे कुछ मित्र हैं जो उनको कमेंट करते रहते हैं और कहते हैं सर हमारा नाम अभी कभी आप नहीं लेते हैं, शिकायत उनकी रहती है, तो मैं कुछ मित्रों के नाम लेना चाहूंगा। हमारे सुधांशु मिश्रा जी हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं, बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक हैं, हमसे ये जुड़े हुए हैं और हमको पर्सनली उन्होंने मैसेज भी किया था, और समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकी तैयारी चल रही है और संभावना है कि ये समीक्षा अधिकारी जरूर बनेंगे। साथ ही साथ प्रदीप यादव जी हैं, सोनम पांडे जी हैं, प्रतीक माथुर जी हैं, सूरज कुमार जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, नितिन सोनी जी हैं, उमेश यादव जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं, वंदना सिंह जी हैं, रंजना सिंह जी हैं, ब्रजेश सिंह जी हैं, विनीत कुमार जी हैं। इतने लोग हमारे चैनल को लगातार वॉच करते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, और ये लोग भी समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी से जुड़े हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी मित्र मुख्य परीक्षा में जरूर शामिल होंगे और मुझे आप लोगों की मदद करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा जिसे मैं जाने नहीं दूंगा, और पूरी मेहनत पूरी जी जान लगा दूंगा ताकि आप मुख्य परीक्षा पास कर जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको एक एक बात समझाने वाले हैं, अगर नहीं समझेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पर क्या लिखना है, इसलिए मेरे साथ एक बार इसको समझ लीजिएगा तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इस बॉक्स को आप समझिए जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए, जो समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा है वो टोटल 400 नंबर की होती है। ठीक है, 400 मार्क्स की, जिसमें सामान्य अध्ययन 120 नंबर का, सामान्य हिंदी 100 नंबर की, हिंदी व्याकरण 60 नंबर की, और निबंध होता है 120 नंबर का। ठीक है, ये सारे अंकों को जोड़ दें हम तो टोटल हो जाता है 400। ठीक है, तो जो समीक्षा अधिकारी का मेंस होता है वो 400 नंबर का होता है। ठीक है, खंड शिक्षा का कितना होगा वो हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल समीक्षा अधिकारी की बात करते हो 400 नंबर का आपका टोटल मेंस होगा। ठीक है, प्री कितने का होता है 200 नंबर का होता है, 140 नंबर का जीएस पूछा जाता है और 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। ठीक है,
तो अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन की यानी कि जीएस की। ठीक है, तो यहाँ पर जीएस के जो प्रश्न आएंगे वो होंगे 120 प्रश्न। ठीक है, और अंक होंगे कितने, 120 से अंक ही होंगे। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न होगा एक नंबर का। ठीक है, और समय कितना मिलेगा, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे में आपको 120 प्रश्न करने होंगे, बड़े आराम से कर लेते हैं, समय बच जाता है। ठीक, मेरा तो हमेशा बचता रहा समय। ठीक है, कि 1.5 घंटे में आराम से पेपर ये हो जाता है, तो निश्चिंत होकर आराम से करिए। अगर रीजनिंग वगैरह सवाल आएंगे ना, वो भी आप आराम से हल कर पाएंगे। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होगा, जो मुख्य परीक्षा के सामान्य सॉरी जो प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन का सिलेबस था, वही मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन का सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा में भी कुछ सवाल रीजनिंग के पूछे जाएंगे, वही 12-15 सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 120 नंबर का आपका हो गया जीएस। ठीक है, प्री में जीएस 140 नंबर का आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ठीक है, यानी जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग का पेपर होगा ये, इसको कन्वेंशनल हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी एवं आलेखन का पेपर होगा, और इसके अंक कुल होंगे कितने, 100, यानी कि ये हिंदी होगी 100 नंबर की, ये वाली। ठीक है, ये वाली सामान्य हिंदी कितने ना, 100 नंबर की होगी, और ये पेपर 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट का होगा, 2.5 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा। अब देखिए इस पेपर में क्या क्या होगा, तो इस हिंदी वाले प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है, प्रश्न पहले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें एक गद्य लिखा होता है, गद्यावतरण होता है, और ये गद्य 21 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें आपको पढ़ करके क्या लिखना होता है, शीर्षक लिखना होता है। ठीक है, फिर आपको उसका सारांश लिखना होता है, और जो भी रेखांकित अंश है उनकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, ये 3 प्रश्न यहाँ पर इसके खंड होते हैं। शीर्षक लिखेंगे तो 3 नंबर का, सारांश 6 नंबर का, और रेखांकित अंश जो व्याख्या होंगे वो 12 नंबर की। इस तरह से ये 21 नंबर का होता है, ये गद्य होता है। ठीक है, जो पहला प्रश्न होता है। ठीक है, इस ये कैसे शीर्षक लिखा जाता है, सारांश कैसे लिखा जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करें, ये सारा कुछ आपको हम डिटेल में तब बताएंगे जब मुख्य परीक्षा के लिए आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें पत्र का सारणी रूप आपको लिखना होगा। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म लिखना होगा, मतलब ये है कि कोई एक सरकारी पत्र आपको लिखा हुआ पूरा मिलेगा। ठीक, पूरा पत्र लिखा होगा, और उस पत्र को आपको सारणी के रूप में, एक टेबल के रूप में सजाना है, उसको फॉर्मेट में सजाना है टेबल के रूप में। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, और ये होगा आपका 15 नंबर का। ठीक है, अब ये काम कैसे करना, देखिए बहुत ही आसान है, और इस 15 नंबर में कम से कम आप 12-13 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको हम बताएंगे कि कैसे आप जो है एक और समझे कि ये प्रश्न जो है मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हो जाता है, और आराम से 12-13 नंबर आप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यानी जो भी टेबल बनानी होती है, उस टेबल पर थोड़ा ध्यान देना होता है कि टेबल के कॉलम गलत ना हो, और जो कॉलम में शीर्षक लिखा जाएगा वो चीज गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर टेबल आप सिर्फ टेबल ही बना देते हैं, तब भी आपको 6-7 नंबर ऐसे, मतलब आप आंसर बना दें, सिर्फ टेबल बना करके आ जाए, फिर भी आपको 6-7 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट टेबल क्या होनी चाहिए, क्या उसके कॉलम होने चाहिए, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे, जिससे आप 12-13 नंबर 15 में से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न पत्र 3 पर आए, सॉरी प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 पार्ट होते हैं, का, खा और गा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पत्र लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि जो पहले यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये जो है 2014 का मेरे पास एक पेपर था, 2017 वाला मैंने दिया है, मैं ढूंढ रहा था, थोड़ा मिल नहीं रहा वो कहीं भी। ठीक है, लेकिन प्रारूप सब ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जो 2014 का पेपर है उसमें जो पूछा गया था, जो पहला क्वेश्चन, परिपत्र का प्रारूप पूछा गया। ठीक है, परिपत्र का आपको प्रारूप बनाना होगा। ठीक है, यानी कि परिपत्र की डेफिनेशन लिखनी है, उसका प्रारूप बनाना होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें कहां बताएंगे आपको हम, जब मेंस की तैयारी कराएंगे। खाना पूछा गया था, अनुस्मारक को डिफाइन करिए, उसकी विशेषताएं लिखिए और उसका प्रारूप बनाइए। ठीक है, और तीसरा था कार्यालय आदेश और उसका प्रारूप बनाइए। ठीक है, और ये 8-8 नंबर के तीनों थे, यानी कि कुल मिलाकर के लेटर कितने नंबर का होता है, 24 नंबर का होता है। ठीक है, और अगर 15 नंबर ये भी जोड़ दें तो लेटर कितने नंबर का, 39 नंबर का हो जाएगा, 39 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब समझो कि एकदम हलवा नंबर है, एकदम आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए कि कहाँ पर कौन चीज होनी चाहिए, पूर्ण विराम लगेगा नहीं लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, कहाँ से पैरा चेंज करना है, कहाँ से डॉट डॉट करना है। ठीक है, कहाँ से नई लाइन बनानी है, भौदी कहाँ होगा, आज्ञा से कहाँ होगा, ये बस इतना अगर आप समझ जाएंगे तो समझो अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और सब कुछ कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ठीक है,
इसमें क्या होगा, ये जो प्रश्न नंबर चार है ये तीन भागों में विभाजित होता है, का, खा और गा। ठीक है, जो का वाला खंड इसमें क्या होता है, अंग्रेजी से हिंदी, यानी कि यहाँ पर आपको पांच वाक्य दिए होंगे। ठीक है, पांच शब्द वाक्य नहीं बल्कि पांच शब्द लिखे होंगे। ठीक है, पांच शब्द लिखे होंगे। ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी है। ठीक है, तो मान लो लिखा हुआ है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल को हिंदी क्या कहते हैं, प्रधानाचार्य कहते हैं। ठीक है, या लिखा होगा सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हिंदी में क्या कहते हैं, सचिव कहते हैं। बस ये सेक्रेटरी अंग्रेजी शब्द लिखा, हिंदी में लिख देना है सचिव। ठीक है, या लिखा होगा कि कैबिनेट, अंग्रेजी में कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। ठीक है, तो बस आपको हिंदी लिखनी है। तो ये अंग्रेजी के पांच शब्द हैं, उनको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, और एक शब्द होता है दो नंबर का। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी में लिखा होगा पांच शब्द और उसको अंग्रेजी में आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि लिखा होगा सचिव। ठीक है, तो सचिव अंग्रेजी क्या होती है, सेक्रेटरी होती है। ठीक है, लिखा होगा मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, परामर्श लिखा लिखा होगा सलाह देना, परामर्श हो गया। ठीक है, इस तरीके लिखा होगा परिपत्र, तो सर्कुलर हो गया। रिमाइंडर लिखा होगा, स्मारक हो गया, अनुस्मारक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पांच शब्द होंगे आपको अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करने होंगे, और पांच शब्द होंगे वो आपको हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करने होंगे। प्रत्येक शब्द दो नंबर का होता है, इसलिए ये जो 20 नंबर है आपके है ना, ये वो बिल्कुल फ्री के होते हैं। पर जो मेन मेन शब्द है, ठीक, जो शासन और प्रशासन से संबंधित शब्दावली है वो आपको याद करनी होती है, और उसमें हम आपको बहुत ही सेलेक्टेड शब्द ऐसे 100-150-200 शब्द रटा देंगे बिल्कुल, ताकि आप जाके बस वहां पर उगल जाए। ठीक है, इस तरह से आपको दे दें कि आप उनको यहाँ पर निगल जाएं और वहां पर उगल जाएं। ठीक है, तो 20 नंबर आपके समझो बिल्कुल फ्री के हैं। ठीक है, आप यहाँ से जो है 5-5-10 शब्द आएंगे आप, और आप अरे मतलब हमारे तो लगभग 10 शब्द सही हो जाते थे, कभी कभार एक शब्द भले ही गलत हो गया। ठीक है, ये लगभग जो है 9-10 हमारे सही रहते थे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पोर्शन होगा वहां पर आपसे पूछे जाएंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, यहाँ पर आपसे 5 मुहावरे पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक मुहावरा होगा 2 नंबर का, और इस मुहावरे में वही उसका अर्थ क्या है और उसका प्रयोग क्या है। ठीक है, तो मुहावरे तो कॉमन सी चीज है, तो ये तो हर जगह आपको पढ़ना है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद जो अंतिम प्रश्न होगा यहाँ पर वो कंप्यूटर से संबंधित होगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि या तो कभी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सीपीयू क्या होता है, ठीक है, मेमोरी क्या होती है, रोम क्या है, रैम क्या है, ठीक है, ये सब आईसी चिप क्या है, ये सब पूछ दिया जाता है, सिंपल होता है। ठीक, जो मेन मेन टॉपिक कंप्यूटर के हैं वो भी आपको हम करा देंगे, इसलिए परेशान आप बिल्कुल भी ना हो। तो और कभी कभी क्या होता है कि 5 सवाल होते हैं छोटे छोटे, वो 2-2 नंबर के होते हैं, कुल मिलाकर के 10 नंबर का कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है। ठीक, बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल आसान से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये 100 नंबर की हिंदी आपकी हो जाती है, जिसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी खाली प्री को फोकस रहें, मेंस में आप बिल्कुल जो है निश्चिंत रहें, सब कुछ तैयारी आपकी हम करा देंगे। ये 100 नंबर की हिंदी होगी। ठीक है, 100 नंबर का जीएस हो गया, 100 नंबर की हिंदी होगी। अब आते हैं हिंदी व्याकरण पर। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और नंबर कितने होंगे, 60, यानी कि एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, और समय कितना मिलेगा, आधे घंटे का, यानी कि 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जाएगा, ये हिंदी ऑब्जेक्टिव होगी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 30 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से आपका प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी का पेपर होता है 60 नंबर का, इसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम उसी तरीके से, सेम उसी सिलेबस पर आपसे यहाँ 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वो एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, यानी कि हिंदी होगी 60 नंबर की। वहां भी 60 नंबर की थी, यहाँ भी 60 नंबर की है, लेकिन प्रश्न आधे हो गए, वहां पर 60 थे, यहाँ पर 30 रहेंगे। ठीक है, सिलेबस जो प्री का हिंदी का है वही मेंस का है, तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से 29-30 प्रश्न आराम से आप करके आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान होते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये वाला हिंदी का पेपर और ये वाला हिंदी का पेपर होता कैसे है, मैं आपको बताऊं होता क्या है कि ये जो समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा है ये 2 दिन में समाप्त हो जाती है। ठीक है, पहले दिन क्या होता है, जो जीएस का पेपर होता है ये मॉर्निंग में होता है। ठीक है, और जो हिंदी का पेपर होता है ये इवनिंग में होता है। ठीक है, उसी दिन सेम टाइम।
तो ये जो 2.5 घंटे का पेपर है, जैसे ही 2.5 घंटे समाप्त होता है, आपसे तुरंत इसकी कॉपी ले ली जाती है और तुरंत ये वाली कॉपी आपको दे दी जाती है। यानी कि ये वाला हिंदी का और ये वाला हिंदी का एक साथ होता है। यानी कि अगर यूं करें, ये पूरा हिंदी मिलाकर के 3 घंटे का होता है, तो गलत नहीं होगा। 2.5 घंटे जैसे समाप्त हुआ, ये वाली कॉपी तुरंत ली जाएगी और ये वाली कॉपी तुरंत दी जाएगी। 2.5 घंटे हो गया, आधे घंटे ये, 3 घंटे हो गया, ठीक है। यानी बीच में कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। ये पेपर दोनों इवनिंग में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले दिन क्या होगा, नेक्स्ट डे, ठीक है। कभी कभी गैप मिलता है, कभी नहीं मिलता है। उस दिन आपको लिखना होगा निबंध यहाँ पर, ठीक है। निबंध आपको लिखना होगा, और जो निबंध का पेपर होगा मॉर्निंग में होगा अगले दिन, निबंध यहाँ पर आपको 3 निबंध लिखने होंगे, ठीक है। निबंध के टॉपिक शायद मैंने आपको पीसेस वाले पे बताए हुए हैं, ठीक है। नहीं तो हम बता देंगे आपको, 3 टॉपिक होते हैं, साहित्य से संबंधित और समाज से, अर्थव्यवस्था से, व्यापार से, कृषि वाणिज्य से, आपदा से, ठीक है, साइंस टेक से, ठीक है। तो ये 3 निबंध यहाँ पर आपको लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध 40 नंबर का होगा, 3 निबंध होंगे 120 नंबर के, और समय मिलेगा आपको 3 घंटे लिखने के लिए, और प्रत्येक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना होगा। यानी कि आपको 3 घंटे में 1800 शब्द लिखने होंगे। वहीं आपको पीसीएस में 3 निबंध लिखने होते हैं 3 घंटे में, और प्रत्येक निबंध 700 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। और वहीं खंड शिक्षा अधिकारी में यहाँ आपको 2 निबंध लिखने होंगे, और वो 700 700 शब्दों में लिखने होंगे, ठीक है। ये अंतर है। तो निबंध की तैयारी भी आपको हम कराएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो जैसे ही परिसमाप्त होगा, हम आपको हिंदी और निबंध दोनों की तैयारी, संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ताकि आपको किसी भी टॉपिक पर, जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिए हैं, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा इतनी अच्छी आपकी होगी कि आप खुद कहेंगे, उस जिस दिन दे के निकलेंगे ना, कहेंगे बस मेरा सिलेक्शन तो श्योर है, और आई एम रिव्यू ऑफिसर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।